Friends, today I'm going to discuss Euclid's division lemma, which is an alternative of finding the HCF of any two given number or more than two numbers, right? So to proceed with that, first of all I would like to discuss what the lemma is and what's all about. So Euclid's division lemma is a set of rules basically that gives a relationship between, I should say, that gives relationship among the number, the quotient and the remainder. So let's say there are two positive numbers A and B such that A can be written in the form of B multiplied by Q plus R, where Q is a quotient and B is another number, and A is the number that is written in the form of B and its quotient, while R is a remainder, and value of R must be lying between 0 and B. That is, R should be equal or greater, less, it should be R should be greater than 0 or should be equal to 0, but it will always be less than the B, which is the number, the second number. Because if it is equals to B, that means the remainder will be 0 in that case. क्योंकि वो जैसे ही B आपका और R equal होते हैं तो R B को divide करेगा तो 0 remainder बचेगा in that case. So ultimately we can say that कि R की value हमेशा 0 और B के बीच में रहेगी, यानी b से कम रहेगी और 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर रहेगी. अगर वो 0 के बराबर रहती तो उस केस में हमारे पास एच सी एफ अवेलेबल हो जाएगा, और अगर वो 0 से बड़ी रहती है तो हमें एच सी एफ के लिए फर्दर स्टेप्स प्रोसीड करना पड़ेंगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दो नंबर हैं, एक है 70 और एक है 150. सो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके इसको लीनियर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, 150 शुड बी written as multiple of 70, that is 70 into q for quotient, kitni times jayega, 2 times, so 140, and remainder aapko mila 10, 140 plus 10, 50, so 150 can be written in the form of this. Now Euclid's division lemma ke according hum aage proceed karte jayenge. Ab hum jo aapka 70 jo number hai isko hum jo remainder hai iske form mein kaise likhenge next step mein, so aise likhenge, 70 should be equals to in the form of remainder. So 10 must be multiplied with 7. So 70 mil gaya, magar is case mein aapko remainder kya mila? 0, kyunki 70 to aapko khabar 70 ho gaya. So wo aap instance jahan par 0 aapko available ho jata hai kisi particular fact, kisi particular number ke liye, किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, तो वो आपका एच सी एफ कहलाता है. सो इस केस में एच सी एफ क्या आया? 10 आया, क्योंकि 10 ही वह नंबर था जिसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 0 मिलता है. सो 10 विल बी द एच सी एफ ऑफ 70 एंड 150. आप चाहे तो चेक कर लीजिए कैसे, जो हमारी फैक्टराइजेशन वाली मेथड है उससे चेक करते हैं हम. सो 35, 5 से 7 और 7 से 1. नाउ 150 को भी चेक कर लीजिए, 2 से 75, 3 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1. दोनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन 2 है और 5 है. सो एच सी एफ क्या हुआ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? किसका? 70, 150 का. वो आपको कितना मिला? 2 इंटू 5, विच इज़ 10. सो आई होप कि डिवीज़न लेमा जो आपको यूक्लिड्स वाली वो समझ में आई होगी.
अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से किन्हीं भी दो गिवन नंबर का एचसीएफ निकालने का। सो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आपको निकालना है सपोज़ 45 और 100 का, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो डिवीजन लेमा क्या कहती है कि 100 जो लार्जर नंबर उसको मैं ए इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर के फॉर्म में लिखूंगा, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी लेस देन होगी बी के, मतलब उस नंबर से सेकंड नंबर से, और ग्रेटर इक्वल होगी जीरो से। तो इस लेमा का यूज़ करते हैं हम, 100 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 45। सो कैसे लिखेंगे, 45 का कोशेंट हो जाएगा 2 और रिमाइंडर हो गया 10, सो 90 प्लस 10 100। अब आप 45 जो सेकंड नंबर है उसको रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे, तो रिमाइंडर अपना 10 था, तो कैसे लिखेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 40, और रिमाइंडर आ गया आपका 5। अगेन अब इस केस में आपका नंबर क्या है, 10 है, सो 10 को रिमाइंडर 5 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर अब आपका 0 आ गया। तो वो इंस्टांस जहाँ पर आपको 0 मिलता है किसके थ्रू, 5 के थ्रू आपको 0 मिला, 5 के थ्रू ही मिला आपको 0, क्योंकि 5 आपका नया नंबर था और 2 आपका क्वेश्चन था। सो वो इंस्टांस जहाँ पर आपको 0 रिमाइंडर मिलता है, तो वो नंबर जिसके लिए आपको 0 मिल रहा है वो आपका HCF होगा। सो HCF ऑफ 45 एंड 100 विल बी कमिंग आउट एज 5। यू कैन चेक इट आउट। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। इफ़ यू हैव गॉट एनी इश्यूज एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू पोस्ट इन कमेंट, वी विल बी ट्राइंग टू resolve your issues problems as soon as possible. Also friends, please like and subscribe this channel and also recommend it to your friends. Thank you. Thanks for watching.